नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। सामुदायिक भवन के लिए विधिवत पूजन अर्चना किए नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार वर्मा। बलिया नगर पंचायत के धोबई मोहल्ला में नगर पंचायत द्वारा 29 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन के लिए विधिवत पूजन अर्चना करने के साथ आधारशिला मुख्य अतिथि सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के अनुज व पूर्व प्रमुख कन्हैया सिंह रखी। इस अवसर पर वहां आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के अनुज व मुरली छपरा ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख कन्हैया सिंह ने कहा कि मैं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि को दो पीढ़ी से जानता हूँ। इनके पिता भी स्वर्गीय शिवदयाल वर्मा हमेशा गरीबों, मजदूरों और दलितों का दबे कुचले लोगों का साथ देते थे। उनके पुत्र मटन वर्मा और पत्नी शांति देवी भी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जब तक इनके साथ गरीबों मजलूमों का साथ होगा, इनका कोई बालवाका नहीं कर सकेगा। मैं शिव कुमार वर्मा, मेरी चेयरमैन प्रतिनिधि जी। जी, क्या मामला है? अभी देखा जा रहा है लोग SSP साहब आए हैं, उनको धरना प्रदर्शन किया गया, कह रहा था भू माफिया को गिरफ्तार किया जाए। क्या है मजरा है मामला टोटल? भू माफिया किसी के मुंह से कहने से कोई भू माफिया नहीं हो जाता। भू माफियाओं के लिए सरकार बना है, राजस्व स्कीम है, प्रशासन शासन है। जब तक भू माफिया घोषित नहीं करेंगे, किसी के मौखिक कहने से कोई भू माफिया हो जाता है तो क्या मजरा? एक तरफ देखा जा रहा है ये राजनीतिक द्वेष था, ये कोई भू माफिया वाला काम नहीं है, ये खाली राजनीतिक द्वेष से। अगर लोग समाज में अगर आप बढ़िया काम करेंगे तो कुछ अराजक तत्वों जैसे लोगों को कठिनाइयां होती है, वही कठिनाइयां सामने उत्पन्न आकर 20-25 की संख्या में जाकर भू माफिया चिल्ला रहे हैं। अगर हमको किस संदर्भ में अरेस्ट करना चाह रहे हैं? हम तो यहाँ बैठे हैं मेरे जाल पर। अगर हम कोई गलती किए हैं, प्रशासन को ये लगता है कि हमारा इतना बड़ा अपराध है, आकर गिरफ्तार कर ले। हम तो भागे भी नहीं है, लुके छुपे भी तो नहीं है। अब सामने देख ही रहे, ये बैरिया सुलेमानपुर रोड है, यहाँ से 100 मीटर दूरी पर थाने हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर सीओ का ऑफिस है, और वहीं सटे हुए थाना आपके तहसील प्रशासन का है। तहसील प्रशासन अगर भू माफिया ही है हम, तो तहसील प्रशासन भू माफिया में अगर मुकदमा चलाए जी। कुछ बच्चे अमन अंचल में बैठे हैं, उनका क्या मामला है? उनके उस मामले से अनभिज्ञ हैं, उसको ज्यादा जानकारी है नहीं। और रही गिरफ्तारी की मामला की बात हमारे, तो हम स्वतः गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं कि भाई अगर ऐसा कोई मुकदमा हो। हाईकोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 7 साल की, जिस मुकदमे में 7 साल की सजा से नीचे नहीं है उसको गिरफ्तारी नहीं हो सकता है, तो खैर प्रशासन की मर्जी, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश का अवहेलना करते हुए गिरफ्तार कर सकते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। मगर एक हमारे भी क्वेश्चन मार्क है, मगर नियम सब पर एक समान लगना चाहिए। संविधान में हर एक व्यक्तियों का अधिकार है। एक मिनट। तो अभी हमारे माननीय विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह के पुत्र के लड़के पर भी समथिंग वही धारा है जो हमारे ऊपर है। हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। माननीय विधायक जी इस द्वाबा क्षेत्र के प्रथम नागरिक हैं, और उनका पुत्र ही उस मुकदमे में वांछित है, तो भी चले गिरफ्तारी दे। एक हमारे एक है व्यवसायी गैस सिलेंडर के, उसके ऊपर भी, उनकी पत्नी के ऊपर भी सेवन सिलेंडर के मुकदमा है, जिस पर चार्जशीट भी चला गया है। दोषा उपरांत सब चीज तय हो गया है। अभी प्रशासन माननीय विधायक जी के लड़के को, उनको भी गिरफ्तार करे, हम स्वतः चल के थाने में अपनी गिरफ्तारी दे देंगे जी। प्रशासन को पेट्रोल जलाने की जो आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी जी। उनका कहना है 13 मुकदमे हैं और भू माफियाओं के मुकदमे भी हैं, जैसे जमीन जबरदस्ती कब्जा करना, अवैध वसूली करना, और 3-7 जैसे मुकदमे हैं। ऐसा है महोदय, कोई भी हमारा हिस्ट्री शीटर निकाल के देख लीजिए, जिसमें ना हमारे ऊपर डकैती है, ना लूटपाट के मुकदमा है, ना ही भू माफिया का कोई ऐसा मुकदमा दर्ज है कि जिस पर आप कह सकते हैं हमको भू माफिया है। आप हमारे थाने में सीटें निकाल लीजिए, जिसमें हमारे अधिकतर मुकदमे धरना प्रदर्शन के हैं। लोगों के कल्याण करने में धरना दिया गया, उसमें सरकार थाना प्रशासन द्वारा मुकदमा लिखा गया है, जिसमें दो महीने से भी कम सजा है। ऐसे ऐसे मुकदमा है जो 307 आप दिखा रहे हैं FIR में। जो व्यक्ति FIR में तहरीर देता है उसका वो मुकदमा दर्ज होता है, उस विवेचना में मालूम चलता है वो 307 है कि 323 है।
विवेचना में मालूम चलता है। जो तहरील देगा और तहरील 307 का 302 का देगा तो 302 के मुकदमा लिखा जाएगा, विवेचना में मालूम चलता है वो 302 नहीं 323 है। जो आपको पिछले घटना बता दें अभी 2.5 महीना जिसमें आप बोल रहे हैं 307 का, उसमें हम आपको बता देना चाह रहे हैं जिस मुकदमे में 307 हमारे ऊपर लिखा गया था उस मुकदमे का मेडिकल रिपोर्ट ही फर्जी आ गया, ये फर्जी मेडिकल है। अब उसमें बताइए, हम प्रशासन से मांग करना चाह रहे हैं जो फर्जी मेडिकल बनाया है उस पर 182 की कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी कार्रवाई तक नहीं हुआ है, ऊपर से मुकदमा चल रहा है, ये कौन सा न्याय उचित व्यवस्था है? आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे कोई नहीं है, हमारी मांगे यही है कि जो लोग हमसे गिरफ्तार के लिए मांग कर रहे हैं कि दो चार मुकदमे में हम गिरफ्तारी नहीं है, जमानत नहीं है, उस पर हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं, मगर इसी क्षेत्र के माननीय विधायक जी हैं उनके पुत्र पर भी SC/ST का मुकदमा है, 120B का मुकदमा है, हत्या कराने की साजिश का मुकदमा है, 3 मुहानी पर चाकू मारने का मुकदमा है, ऐसी तमाम मुकदमाएँ हैं जो वो उसमें माननीय विधायक जी के लड़के वांछित हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। एक हमारे गैस व्यवसायी हैं, कोई कुछ का दुना में नाम थोड़ा याद नहीं है, तो कोई हैं सिंह साहब, तो उनकी पत्नी भी गैस चोरी में का मुकदमा दर्ज है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। हम तो स्वतः कह रहे हैं ना कि हमारे लिए मान लीजिए 500 का तेल जरेगा पुलिस प्रशासन का, वो भी नहीं, वो लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, खुद हम चलकर थाना में आपको समर्पण कर देंगे। ठीक है, मतलब ये पूरा मजरा राजनीतिक है, पूरा मतलब मजरा ये राजनीतिक है, सिर्फ हमारे छवि को धूम करने के लिए साजिश किया जा रहा है, और मात्र एक व्यक्ति आप जो जानते होंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।